हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिल्कुल आप मार्केट जैसी फ्रूटी फ्रूटी या माजा जो भी आप लेकर आते हैं मार्केट से, बिल्कुल वैसा ही ड्रिंक बनाना आपको मैं बताऊंगी। तो इसे आप एक बार बनाएंगे और बच्चों को देंगे, एक बार आप पियेंगे तो आप मार्केट वाली फ्रूटी भूल जाएंगे। इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है ये, और देख सकते हैं आप बिल्कुल मार्केट जैसी फ्रूटी है ये। तो आइए हम इसे बनाना चालू करते हैं। दो आम से ये बनकर तैयार हुआ है इतना सारा रोटी। आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है दो आम, तो दो बड़े साइज के आम हैं और अच्छे पके हुए आम हैं, और दो छोटे छोटे आम हैं, कच्चे आम हैं। तो ये छोटे आम हैं इसलिए मैंने यहाँ पर दो लिए हैं। अगर आपके पास थोड़े बड़े आम हो तो आप एक आम ले सकते हैं। तो ये आम जो है मेरे घर का ही आम है, लॉकडाउन के कारण मुझे आम नहीं मिल पा रहा है मार्केट से, तो मैं इसी से ही वीडियो बना रही हूँ। तो हमें चारों आम को धोकर अच्छे से छील लेना है और इसके हमें छोटे छोटे पीसेस काट लेने हैं। तो आम को हमें छील लेना है, मैं चाकू की सहायता से छील लूंगी। तो मैंने यहाँ पर आम को छीलकर काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, और आप भी इसे काट लें। और कच्चा आम हम इसमें इसलिए डालते हैं ताकि इसका टेस्ट थोड़ा खट्टा मीठा सा आए, और ज़्यादा कच्चा आम ना डालें इसमें, नहीं तो ये ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, कच्चा आम हमें इतना ही डालना है थोड़ा सा। तो इसे हम पीस लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर, और बारीक पेस्ट बना लेना है हमें। तो इसे पके आम को मैं पहले पीस लूँगी और उसके बाद कच्चे आम को पीस लूंगी। तो अगर आपके पास मिक्सर ग्राइंडर का बड़ा जार हो तो आप दोनों को एक साथ भी पीस सकते हैं। तो मैंने इसे मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल दिया है, और इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, ज़्यादा पानी यूज़ ना करें, थोड़ा सा ही पानी डालें ताकि अच्छे से पिसा जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कच्चा और पका आम दोनों को पीस लिया है अच्छे से, और मैंने यहाँ पर गैस में कढ़ाई चढ़ा दी है और इस पर मैं इसे डाल दूंगी। और गैस को मैंने ऑन कर दिया है, और सारे पके हुए आम और कच्चे आम को मैं इसमें डाल दूंगी, और इसे हमें पकाना है धीमे धीमे आंच पर चलाते हुए चम्मच से। तो मिक्सर में जो भी मैंने पीसा था आम, उसका थोड़ा सा बच गया है, तो उसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर हिलाकर इसमें डाल दूंगी। तो थोड़ा सा पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, एक कप के जितना। अब मैं इसमें आधा गिलास पानी ऐड कर दूंगी। तो इस गिलास में मैंने आधा गिलास पानी लिया है, और इसे हमें अच्छे से पका लेना है, चलाते जाएं बीच बीच में, तो कोई भी लम्स ना पड़ने पाए इसमें। और इसमें हमें शक्कर ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी शक्कर लिया है, और आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें शक्कर डाल सकते हैं। आप इसे टेस्ट करके भी देख सकते हैं, आपको जितना मीठा चाहिए उतना शक्कर आप ऐड कर सकते हैं। तो आम जो मैंने पका वाला लिया था वो मीठा है, लेकिन कच्चा आम जो हमने डाला है वो थोड़ा खट्टा है, तो उसको मैनेज करने के लिए हमें इसमें शक्कर डालना पड़ेगा। तो अगर आप कच्चा आम ले रहे हैं जो ज़्यादा खट्टा है, तो आप ज़्यादा शक्कर भी डाल सकते हैं इसमें। तो इसे हमें पकाना है, और इसका कलर धीरे धीरे चेंज हो जाएगा पकाते पकाते, और जो हमारी फ्रूटी बनकर तैयार होगी जो उसका कलर है वो पूरी तरह मैंगो के ऊपर डिपेंड करता है। आप जो आम लेंगे वो जितना ज़्यादा पका हुआ और जितना पीला होगा, तो फ्रूटी भी उतनी ही अच्छी कलरफुल और येलो कलर की बनेगी, तो फ्रूटी का कलर भी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए आप जो आम ले रहे हैं वो अच्छा पका हुआ आम लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका कलर जो है वो हल्का हल्का चेंज होते जा रहा है, और जैसे ही ये पक के तैयार हो जाएगा तो इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और थोड़ी बहुत साइन आ जाएगी इसमें, आपको अलग से पता चल जाएगा कि ये पक चुका है। तो इसको पकने में कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्रूटी ज़्यादा दिनों तक रहे, तो आप इसे एक चम्मच सिरका ऐड कर सकते हैं आप इसमें। तो सिरका जो है वो प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, और एक चम्मच से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है हमें। तो आप अगर सिरका डालेंगे तो ये फ्रूटी को आप साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं।
तो हमारी जो फ्रूटी है वो बनकर पककर तैयार हो गई है और देख सकते हैं आप इसका कलर। तो हमारी जो फ्रूटी है वो बनकर तैयार है और गैस को मैंने ऑफ कर लिया है और इसे हमें छान लेना है एक बर्तन में। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, उस पर एक छन्नी है और इस पर मैं धीरे धीरे डालकर इसे छानूंगी और ठंडा होने के बाद हम इसे छान लेंगे अच्छे से। तो मैंने यहाँ पर इसे छान लिया है एक बाउल में अच्छे से और छानना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आम लिए हैं हमने उसमें कुछ रेसे होते हैं, रेसे वगैरह होंगे तो छानने से वो निकल जाएंगे आसानी से। ये जो फ्रूटी है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और देख सकते हैं आप इसका कलर बिल्कुल मार्केट की फ्रूटी जैसे लग रहा है और इसमें आप जितना चाहें उतना पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। अगर आप ज़्यादा गाढ़ा चाहते हैं तो आप गाढ़ा भी बना सकते हैं इसे। और 2 आम में देख सकते हैं आप कितना सारा फ्रूटी बनकर तैयार हो जाता है। तो इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो शक्कर और ऐड कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मीठा इसे कर सकते हैं। तो हमारी जो फ्रूटी है वो बनकर तैयार है और बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और 5 मिनट के अंदर अंदर ये बनकर तैयार हो जाता है। तो आप भी इसे बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अब मैं इसे एक जार में ट्रांसफ़र कर दूंगी। देख सकते हैं आप इसका कलर कितना अच्छा मार्केट की फ्रूटी जैसा आया है। तो अब मैं इसे ग्लास में डाल दूंगी। तो बिल्कुल मार्केट जैसी फ्रूटी बनकर तैयार है और इसे बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। ये 2 आम से बना हुआ फ्रूटी है, ये पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बिल्कुल मार्केट से जो माजा स्लाइस और फ्रूटी मिलती है बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है। आप इसे एक बार पियेंगे बनाकर तो बाहर का ये सब पीना भूल जाएंगे और इसे आप एक बार बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये खराब नहीं होता। और बच्चों को ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो बिना प्रिजर्वेटिव के ये ड्रिंक जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी है और घर में ही बनकर तैयार हो जाता है। तो आप इसे ज़रूर एक बार बनाकर ट्राई कीजिए और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो पर। ओके बाय फ्रेंड। और एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये आपको कैसा लगा।